जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे बारे जा, सिर अमन पे बारे जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसारे जा, अपना सुख विसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। सभी आपकी जो वैश्विक यात्रा निकली है 2 अक्टूबर को दिल्ली से जिनेवा के लिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 150 वर्ष, तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा के 150 वर्ष सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में मना रहे हैं। तो इस समय दुनिया के सामने जिस प्रकार के बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल गांधी जी के विचार में, गांधी के सोच में। तो हमने ये तय किया कि राजघाट से महात्मा गांधी के समाधि से चलें और जेनीवा तक चलें। तो ये 11,000 किलोमीटर की यात्रा है, 11 देशों की यात्रा है, 1 साल की यात्रा है और 50 लोग यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो हम ये संदेश लेके जा रहे हैं कि दुनिया के समस्याओं का हल गांधी विचार में है। और दुनिया की समस्याएं क्या हैं? एक तो गरीबी की समस्या है, असमानता की समस्या है, और क्लाइमेट क्राइसिस जो जलवायु प्रदूषण की समस्या है, और हिंसा की समस्या है। ऐसे 4 समस्याओं के को सामना कर रहे हैं दुनिया। इस समय अगर हम सही ढंग से महात्मा गांधी को समझें, उनके विचार के अनुसार चलें, तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि साम्यवाद और बाकी सब वाद, कैपिटलिज्म सब जब ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, सिर्फ गांधी एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है। उसको समझना और उसका उपयोग करना मानव समाज को बचाने का अभी सबसे अच्छा कार्यक्रम होगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए यात्रा है। साथियों, हमारे साथ में जिल है। आश्चर्य की बात है कि 30 सालों से वो इस इनसे जुड़ी हुई है और ये पूरी जो यात्रा जो है सर की, वो 50 सालों की, आपका क्या अनुभव रहा है? सर, मेरा अनुभव बहुत है इंडिया में 30 साल से, लेकिन अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारा जय जगत मार्च, और हम देखते 10 और देशों ये कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है। तो जब हम आएंगे लोगों को तहार होना और विविस्टा और खाना और सब प्रोग्राम्स भी प्लान करते हैं हमसे। सो ये बहुत बहुत सुंदर ये जय जगत जोड़ते हैं, क्योंकि लोगों को अलग अलग बहुत देशों से, बहुत प्रांत से एकता, और 50 लोग हम एक साथ चलाएंगे जेनीवा तक। सो ये कमिटमेंट हमारा गांधी सिद्धांत हमारे दिल में है, और हम देखते हैं, देखते पूरा पिछले 4 महीना लोगों को बहुत विविस्टा प्रेम स्वागत, बहुत खाना दिया हमको, और ये इस कारण के ये गांधी महसूस उनका दिल में है, क्योंकि बहुत खुशी लोगों को थोड़ा हेल्प हमको। सो ये अच्छा है, और मेरा अनुभव बहुत बहुत सुंदर है ये जय जगत मार्च। What message would you like to give? Oh, no, in English. Yes, or Hindi? In English. In English. To, you know, the unrest all over the world. Yes. Be it Israel, Palestine, be it India, Pakistan. What message would you love to give? So, I think the message from the Jai Jagat is we want people to really think that peace is important, not just making money, not just having our individual family lives and our livelihoods, but to see that the larger issues of peace, if we do not tend to them, they can be very, very adverse for the next generation. They can hurt the next generation. I would like to interrupt. Yes. But peace is achieved when justice is done. Exactly. What do you want to say about that? Yeah, there's no doubt that without people getting their
fair share. They cannot be peaceful, and that is the reason why violence is. So we must look at justice in every country and see who is being excluded and how to include them in our national planning and our development and our economies. So we need an inclusion of all people, and that will take the edge off violence and make for more peace. But we also have to have peace with the earth. So peace is between people, but peace with the earth, with the environment. Because the planet is in a delicate position with the onset of climate change, and we must see that as a very important priority. So peace now is not just stopping nuclear arms. Peace is about peaceful coexistence of people at all levels, family, state, levels, but also peace with the earth. Thank you very much. Thank you so much. And I, on behalf of my team, would like to congratulate on your journey, this wonderful, wonderful peace image you are in, and all our blessings are with you. May God bless you. Thank you so much.